नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेश पटेल और आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। तो दोस्तों, व्हाट्सएप में कुछ नया अपडेट्स हुआ है, तो चलिए उसी के बारे में ये वीडियो है। और व्हाट्सएप में क्या नया नया अपडेट्स आया है, चलिए हम शुरू करते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या नया अपडेट आया है। तो सबसे पहले बात कर लें तो दोस्तों, अभी जो एक्सिस्टिंग फीचर्स है जो व्हाट्सएप में अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो जिस प्रकार के अलग अलग फीचर जो मैं बताता हूँ, जैसे कि वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग, फॉरवर्डिंग्स, ईमेल चैट, रिकवरी मैसेज, नोटिफिकेशन कस्टमाइजेशन, डेटा यूसेज, रीड रिसिप्ट, हाइड प्रोफाइल, स्टार मैसेजेस, फ़ॉन्ट साइज, म्यूट चैट, डिलीट अकाउंट, ऐड टू चैट शॉर्टकट एंड चैट सर्च, इतने प्रकार से जो मैंने बताए वो सब अभी हम यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप में। और आपको अगर पता ना हो ये सब जो फीचर्स है उसके बारे में, तो आप कमेंट्स में लिखिए, तो मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जो आप सीख सकें। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हुई अभी तक के जो फीचर्स के बारे में। अभी जो नए अपडेट्स हुए हैं, नए फीचर्स जो आए उसके बारे में चलो बात करते हैं। तो पहले हम अपने प्ले स्टोर पर जो व्हाट्सएप है हमारा मैसेंजर, उसको जाकर अपडेट करते हैं पहले। तो चलिए यहाँ पे प्ले स्टोर में लिखेंगे व्हाट्सएप मैसेंजर, यहाँ पे पहले आ जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ अपडेट, ठीक है। और नीचे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ तो डायरेक्ट पहले अपडेट ना किए, यहाँ पे नीचे एक मैसेज होगा यू आर बीटा टेस्टर। तो इसके लिए यहाँ पे आपने जो अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पे लिखा होगा आई एम इन, तो पहले उसको आई एम इन पर क्लिक कर दीजिए। यानी कि ये जो है शायद एक आधे घंटे में आपको यहाँ पे दूसरा मैसेज आ जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा जो ऊपर ही अपडेट के नीचे यू आर बीटा टेस्ट फॉर दिस एप्लीकेशन अवेजम, मतलब आप बीटा टेस्ट के लिए ये एप्लीकेशन आप सही है, तो मतलब आप अब जाकर इसे अपडेट कीजिए। पहले डायरेक्ट अपडेट करेंगे तो फिर से आपको वो जो आई एम पर क्लिक करने के बाद फिर से अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने पहले से वो जो आई एम पर जो आई एम एन जो यहाँ पे ऑप्शन था उस पर क्लिक कर दिया था, तो अब देखो यहाँ पे लिव्स का ऑप्शन आ गया है दूसरा। तो ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट अपडेट करते हैं। तो आप पहले उस पर आई एम इन पर क्लिक कीजिए, इसके बाद यहाँ पे अपडेट कीजिए, उसके आधे घंटे बाद आपको इस प्रकार का मैसेज आएगा, यहाँ पे लिखा होगा यू आर बीटा टेस्ट फॉर दिस एप्लीकेशन। ओके, तो मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपडेट करते हैं, तब तक के लिए मैं आपको पुराना वर्जन जो है हमारा वहाँ पर ले चलता हूँ। तो देखिए, व्हाट्सअप के जो हमारा पुराना वर्जन है जो व्हाट्सअप का, जो अपडेट नहीं हुआ अभी जो चालू है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर हम किसी भी ग्रुप्स में या फिर इंडिविजुअल जो हमारे कॉन्टैक्ट्स, उस पर जो लॉन्ग प्रेस की करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं होगा पिन वगैरह का। तो दोस्तों, एक जो नया अपडेट्स आए पिन का है, तो पिन क्या है उसके बारे में बता दूँ आपको। तो पिन ऐसी जगह जो हम किसी कागज़ में पिन लगाते हैं, मतलब क्या है कि वो पिन वाले कागज़ सब एक साथ है या फिर हमारे हाथ में तुरंत आ जाए, या फिर हम उसको मतलब आगे रख उसको, मतलब बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है इस प्रकार से हम पिन करते हैं, मतलब उसको मार्किंग करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे व्हाट्सएप में इसी फीचर दिया गया है कि किसी भी ग्रुप को हम पिन कर देंगे तो वो ग्रुप से जो सबसे पहले हमें याद दिखाई देगा, कितने भी मैसेज आएंगे दूसरे तो वो उसके पीछे आएंगे, उसके बाद में आएंगे हम, मतलब लिस्ट में रैंकिंग करने के लिए वो पिन का ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे पिन करना है वो अपडेट होने के बाद। तो चलिए देखते हैं हमारा एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पर जो ऊपर ही किसी भी ग्रुप पर हम लॉन्ग प्रेस की करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे राइट का ऑप्शन, ऊपर पिन का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर हम पिन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये जो ग्रुप से या फिर कॉन्टैक्ट है वो ऊपर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से दूसरे को भी हम इसी प्रकार से पिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मैक्सिमम 3 ऐसे ग्रुप या कॉन्टैक्ट्स को पिन करके सबसे ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला फीचर था नया अपडेट में। दूसरी फीचर की बात करो तो आज तक दोस्तों हमें एक दूसरे को जो फाइल्स, जैसे इमेज, वीडियो, PDF, एक्सेल, वर्ड्स, ऐसी फाइलें हम एक दूसरे को शेयर कर सकते थे व्हाट्सएप के जरिए, लेकिन अब क्या हुआ, नया फीचर्स जो आया इसके अंदर आप एप्लीकेशन फाइल भी शेयर कर सकते हैं, मतलब कि जो एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वही एप्लीकेशन अगर हम किसी दोस्त को प्रेफर करते हैं या उसे कहते हैं ये एप्लीकेशन तुम इंस्टॉल करो या उसकी हम फाइल भेजना चाहते हैं तो उसको भेज सकते हैं डायरेक्ट। तो दूसरे फीचर की बात कर
तो दोस्तों मैं ये बताता हूँ ये कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसी कॉन्टेक्ट या फिर ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको ओपन करते हैं और यहाँ पे अटैच पेयर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर उसके बाद में डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले PDF या Excel वर्ड वही फाइल दिखती थी, लेकिन अब यहाँ पे APK फाइल जो भी है वो भी यहाँ पे दिखने लगी है। मतलब इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो देखिए दोस्तों अभी इसको भी हम सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके देखो ये फाइल चलेगी। तो मतलब इसी प्रकार से हम APK फाइल को भी आसानी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये दूसरा नया फीचर था। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने ये दो नए फीचर्स के बारे में बताया। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ कमेंट्स है आपके मन में तो ज़रूर नीचे कमेंट में लिखिए, तो मैं उसका आंसर दूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका सबसे पहले देख सके और जो टेक्नोलॉजी में कुछ नया जो भी आता है तो आप उसे जान सके, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।